रीजनिंग रीजनिंग और रीजनिंग रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों काफी डिफिकल्ट होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि हर एक क्वेश्चन को दोस्तों इस वीडियो में इंक्लूड कर पाऊं, जिससे दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाए। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों हर चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का। तो चलिए दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कैसे सॉल्व करोगे। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या ट्रिक है आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां पर लिख दिया मैंने 12 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा दोस्तों, इस 12 को मैं ब्रेक कर दूंगा 4 × 3 पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूंगा दोस्तों, ये 4 दिया हुआ है तो 4 की पेयरिंग करूंगा मैं। तो देखिए यहां पर 1 2 3 4, तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, 1 2 3 4, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया 1 2 3 4। तो देखोगे दोस्तों को हिंट मिल रहा है यहां पर, तो यहां पर जी देखिए यहां पर H आ गया लास्ट में, यहां पर G है, यहां पर लास्ट में I आ गया, कुछ हिंट नहीं मिल रहा। जब हिंट नहीं मिले दोस्तों, तो ये बचा हुआ नंबर को ले लीजिए, इसे रफ कर दीजिए इसे। अब क्या करेंगे दोस्तों, 4 की पेयरिंग नहीं करेंगे क्योंकि आंसर नहीं निकला, हम 3 की पेयरिंग करेंगे। तो यहां पर 1 2 3 लाइन ड्रॉ कर लिया, 1 2 3 लाइन ड्रॉ हो गया, 1 2 3 यहां पर हो गया 1 2 3। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, यहां पर देखोगे ये G पहले है, यहां पर G पहले है। अब देखिए सेकंड में क्या H है, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा सेकंड में H आएगा, यहां पर भी H आएगा, और यहां पर देखो H ऑलरेडी है, यहां पर H आएगा, ठीक है। अब देखोगे दोस्तों लास्ट में क्या I दिया है, तो यहां पर भी I आएगा, यहां पर भी I, और यहां पर भी I आ गया, हो गया सॉल्व। अब क्या करना है दोस्तों, यहां पर जो लिखा है आपने, यहां पर लिख लीजिए H, और यहां पर I, यहां पर H, यहां पर I, यहां पर I, और यहां पर H। अब देखिए ये जो ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, तो देखोगे ऑप्शन D में ये वाला मैच हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन को सॉल्व करना आप सीख चुके हो। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। जब भी दोस्तों ये अल्फाबेट टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना होता है दोस्तों, अल्फाबेट का नंबर लिख लेना होता है। तो यहां पर देखोगे सी का नंबर क्या है दोस्तों, तो यहां पर लिखता हूं मैं 3 लिख लेता हूं। फिर देखोगे ये ए का नंबर क्या है दोस्तों, 1 है, और जी का नंबर क्या है, 7 है, और ई का नंबर 5 है, के का नंबर 11 है, और आई का नंबर क्या है दोस्तों, 9 है, और ओ का क्या होगा दोस्तों, ओ देखिए अक्टूबर है, अक्टूबर मतलब 15 अक्टूबर, ठीक है, इस तरह से मैंने याद किया मैंने 15। एम मतलब मैं 13 मतलब यहां पर 13। दोस्तों इसके लिए वीडियो बनाया मैंने, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, ये सारे अल्फाबेट के नंबर को कैसे याद रखा जाता है वो वीडियो में आप सीख जाओगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहां पर लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए यहां पर 2 डैश दिया, और यहां पर आपके ऑप्शन आपके सामने है। तो यहां पर देखो कुछ हिंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो यहां पर 3, यहां पर 1, यहां पर 7, यहां पर 5 11, कुछ समझ में आ रहा है। अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों तो इससे दोस्तों ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 3 में अगर मैं +4 करूं 7 मिल जाएगा, ठीक है। अब 7 में दोस्तों यहां पर मैं +4 करूं तो 11 मिल जाएगा, 11 में दोस्तों +4 करूंगा तो 15 मिल जाएगा। अब देखिए इस 15 में दोस्तों मैं +4 करूंगा मैं, तो क्या मिलेगा दोस्तों, 19 मिल जाएगा। मतलब ये जो ऑप्शन आएगा यहां पर 19 वाला लेटर आएगा, तो 19 वाला लेटर नहीं आता दोस्तों, तो आपको याद करने की ट्रिक सिखाता हूं मैं, T20 मतलब T होता है, तो T के पीछे क्या होगा दोस्तों, S होगा, मतलब 19 वाला लेटर होगा, तो यहां पर क्या आएगा, S आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों यहां पर ए है, तो यहां पर देखिए इससे कनेक्ट है, तो 1 + 1 + 4 करोगे तो 5 मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर भी देखोगे 5 + 4 होगा तो 9 हो जाएगा। अब ये आई से दोस्तों ये कनेक्ट है, तो 9 + 4 करूंगा तो 13 मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर क्या करना होगा मुझे, 13 + 4 करूंगा तो मुझे 17 मिल जाएगा। अब 17 नंबर और लेटर कौन सा है, तो वो सिखाना चाहूंगा 16 साल का प्रिंस। अब 16 साल का प्रिंस मतलब ये आपका कितना हो गया, 16 हो गया है। अब दोस्तों 17 कौन सा होगा, क्यू होगा, क्योंकि पी के बाद क्यू आता है, तो यहां पर लिख दूंगा मैं क्यू लिख दूंगा, हो गया आंसर, मतलब एस क्यू। तो एस क्यू कहां पर, देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। देखिए दोस्तों यहां पर दिया चेयर दिया, और यहां पर क्या दिया मुझे पता नहीं, लेकिन दोस्तों यहां पर आर आई ए एच सी दिया हुआ, देखिए उल्टे सीधे लेटर दिए हुए हैं। अब देखिए यहां पर टेबल दिया है, तो दोस्तों ये टेबल का उल्टा सीधा लेटर आपको लिखना है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, लेकिन कैसे लिखेंगे, हिंट कहां से मिलेगा। तो अब देखोगे दोस्तों यहां पर सी दिया हुआ है और यहां पर सी दिया हुआ है, राइट, तो यहां पर सी से सी कनेक्ट हुआ है, तो एक काम करता हूं टी को टी से कनेक्ट कर लेता हूं, यहां पर टी लिख देता हूं, क्वेश्चन मार्क हटा देता हूं यहां से मैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पर एच है, तो यहां पर दोस्तों यहां पर एच आ गया, मतलब यहां पर ए होगा, तो यहां पर दोस्तों क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। उसके बाद देखोगे यहां पर ए दिया हुआ है, तो ए से ए कनेक्ट है, तो ये बी से बी कनेक्ट होगा, तो यहां पर लिख देता हूं मैं। उसके बाद देखोगे आई से दोस्तों आई कनेक्ट है, तो एल से दोस्तों क्या होगा, यहां पर एल कनेक्ट होगा, और आर से दोस्तों आर कनेक्ट है, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, ई से ई कनेक्ट होगा। तो देखते हैं कि ये ऑप्शन मैच होता है कि नहीं होता है। तो देखोगे यहां पर
ELBAT, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों आपके लिए और एक, चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लेकिन दोस्तों सॉल्व करना बहुत आसान होता है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि हाउ मेनी रूरल पीपल आर एजुकेटेड। देखिए दोस्तों यहां पर क्या बोला है, दो चीज पूछी गई है, यहां पर रूरल पूछा गया है और यहां पर एजुकेटेड पूछा गया है। तो देखना होगा दोस्तों कि एजुकेटेड देखोगे ट्रायंगल में दिया हुआ है और यहां पर रूरल जो दिया हुआ है सर्कल में दिया है, तो दोनों को यहां पर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब कॉमन पॉइंट आना चाहिए। तो अब देखोगे दोस्तों ट्रायंगल के अंदर सर्कल के अंदर देखिए ये रहा कॉमन पॉइंट, देखिए ये ट्रायंगल भी है और सर्कल भी, मतलब हमको रूरल और यहां पर एजुकेटेड दोनों बताना है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों 22 प्लस 6 कितना होगा 28 होगा, ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह सॉल्व किया जाता है, फिर से समझाता हूं देखिए आपको मैं। देखिए ये ट्रायंगल के अंदर क्या है दोस्तों, एजुकेटेड दिए हुए, मतलब यहां पर 16 22 6 और 12 ये सब क्या है दोस्तों, एजुकेटेड है, ठीक है। अब यहां पर जो सर्कल में दिया है दोस्तों क्या है दोस्तों, रूरल दिया हुआ, यहां पर दिया हुआ देखिए, तो 22 6 10 और 34, लेकिन यहां पर पूछा क्या गया दोस्तों कि रूरल भी होना चाहिए और एजुकेटेड भी होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो देखोगे तो 22 देखिए एजुकेटेड भी है और यहां पर रूरल भी है, और 6 देखिए यहां पर एजुकेटेड भी है और ये रूरल भी है, इसलिए 22 प्लस 6 करके 28 आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन को आप समझ गए हो। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते हो दोस्तों कि 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड की तैयारी करनी हो तो सबसे अच्छी चीज होती है सैंपल पेपर को सॉल्व करना। तो इसलिए दोस्तों आपके लिए एक बुक लेके आया दोस्तों, ये वाली बुक लेके आया हूं। इस बुक के अंदर क्या है दोस्तों, पिछले 10 साल का पेपर दिया हुआ है, वो भी सॉल्व पेपर दिया है। इससे क्या होगा दोस्तों को पता चल जाएगा कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, हर एक स्ट्रेटेजी दोस्तों इस बुक से आपको पता चल जाएगी, राइट। तो इसीलिए दोस्तों कहना चाहूंगा दोस्तों इस बुक के अंदर एक पेपर नहीं है, यहां पर दोस्तों बहुत सारे पेपर है और बहुत सारे सब्जेक्ट भी दोस्तों इसमें इंक्लूड किया है, जैसे इंग्लिश मैथ्स एसएस साइंस, ये सारे सब्जेक्ट दोस्तों इसी बुक में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो है दोस्तों 31 मार्च 2023 को जो अपडेट आया था सीबीएसई से, उसी अपडेट के हिसाब से इसे बनाया गया है। और दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए दोस्तों ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपको ये बुक परचेस करना है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फटाफट जाइए दोस्तों परचेस कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कीजिए। तो ऑल द बेस्ट। चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। देखिए दोस्तों यहां पर क्या दिया है, यहां पर बोला इफ प्लस मींस मल्टीप्लाई, माइनस मींस डिवाइड, मल्टीप्लाई मींस प्लस और डिवाइड मींस माइनस। तो यहां पर जो दिया हुआ है उसको टोटली चेंज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पर 25 लिखूंगा मैं, ये मल्टीप्लाई मतलब क्या है दोस्तों, प्लस होता है, तो यहां पर प्लस लिख लूंगा, यहां पर 5। अब माइनस मतलब क्या है दोस्तों, डिवाइड है, तो यहां पर मैं डिवाइड लिख लेता हूं, ठीक है, और यहां पर 3 लिख देता हूं। अब डिवाइड मतलब क्या है, माइनस है, तो यहां पर माइनस और यहां पर 2। अब प्लस मतलब क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई है, तो यहां पर मल्टीप्लाई लिख लेता हूं, यहां पर 5 लिख लेता हूं, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, इसे सॉल्व करने के लिए आपको बोडमास रूल पता होना चाहिए। देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं BODMAS, ठीक है। अब दोस्तों का मतलब क्या होता है, ये D मतलब होता है डिवीजन होता है, M मतलब मल्टीप्लाई होता है, A मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है मतलब एडिशन, और S मतलब सब्सट्रैक्शन, इसे हम लोग माइनस कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना था दोस्तों, बारी-बारी से सॉल्व करना होता है, मतलब पहले डिवाइड करना होगा, फिर मल्टीप्लाई करना होगा, फिर एडिशन करना होगा, फिर सब्सट्रैक्शन करना होगा, क्लियर है। तो यहां पर देखोगे सबसे पहले क्या दिया, डिवाइड दिया है, तो आप देखोगे यहां पर डिवाइड दिया है, तो यहां पर 25 ऐसा लिख लूंगा, यहां पर प्लस लिखता हूं मैं। अब 5 डिवाइड बाय 3 मतलब क्या है, 5 अपॉन 3 होता है, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब देखो दोस्तों उसके बाद मल्टीप्लाई दिया है, तो 25 इधर 10 होता है, तो यहां पर मैं 10 लिख लेता हूं, इतना क्लियर है। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या होगा, फ्रैक्शन में आ गया है तो एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके नीचे मैं 1 लिख देता हूं, इसके नीचे 1 लिख देता हूं, यहां पर दोस्तों ड्रॉ करता हूं लाइन और यहां पर 3 लिख देता हूं। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे कि 1 के टेबल में 3 कब आता है, 1 3 जा 3, तो यहां पर 3 होगा, जो भी बॉक्स में आएगा ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 मल्टीप्लाई 25 क्या होगा, 75 होगा। अब देखिए दोस्तों 3 के टेबल में 3 कब आएगा, 3 1 जा 3, तो बॉक्स में 1 आ गया, तो 1 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा, 5 होगा, तो यहां पर मैं 5 लिख दूंगा। अब देखिए दोस्तों 1 के टेबल में 3 कब आएगा, तो यहां पर मैं बॉक्स बना लूंगा, 1 3 जा 3 होता है, तो 3 को दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो 3 10 जा कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब क्या दिया है, यहां पर प्लस दिया है, तो 75 प्लस 5 कितना होगा, 80 होगा। उसके बाद दोस्तों माइनस दिया है, तो 80 माइनस 30 कितना होगा, 50 होगा, तो यहां पर लिख देता हूं मैं 50 अपॉन यहां पर 3। देखिए ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए नीचे देखिए छोटा नंबर है, ऊपर बड़ा नंबर है, इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और हर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। अब आपके दिमाग में आएगा मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, तो देखिए यहां पर आपको डिवाइड करना होगा इस तरह से, ये 50 और ये 3, ठीक है, 3 1 जा 3, यहां पर 2 बचा, ये 0 नीचे आ गया, 3 6 जा 18 और यहां पर 2। अब लाइन ड्रॉ कीजिए, ये 2 को ऊपर भेज दीजिए, ये 16 यहां पर आ जाएगा, ये 3 यहां पर आ जाएगा, देखिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन को आप समझ चुके हो। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन,
तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करोगे। देखिए दोस्तों यहां पर 45:9 दिया और 94:2 क्वेश्चन मार्क दिया है और राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो कैसे करोगे, कुछ हिंट निकालना होगा आपको। तो यहां पर देखोगे 45 और 9 कुछ कॉम्बिनेशन यहां पर बैठ रहा है, कुछ कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहां पर 4 और यहां पर 5 है। अगर 4 को 5 से प्लस कर लो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये लॉजिक लगाना होगा। तो यहां पर देखोगे तो 9 प्लस 4 करूंगा तो मुझे 13 मिलेगा, ऑप्शन में है, ऑप्शन में है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सीख चुके हो। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करोगे। जब भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है सॉल्व कैसे किया जाए। लेकिन दोस्तों इसके लिए बहुत अच्छा हिंट है। क्या हिंट है, देखिए यहां पर 7 दिया, यहां पर 13, यहां पर 25। तो एक काम कर लीजिए दोस्तों, इन दो नंबर के बीच में डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, देखिए यहां पर 6 का डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इन दो नंबर के बीच में डिफरेंस देखोगे तो यहां पर 12 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है और इन दो नंबर के बीच में डिफरेंस देखोगे तो यहां पर 24 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है और ये दो नंबर के बीच में डिफरेंस देखिए यहां पर 48 का दिखाई दे रहा है। कुछ समझ में आ रहा है यहां पर, देखिए ये 6 दिया है तो 6 का डबल यहां पर 12 हो गया, 12 का डबल यहां पर 24 हो गया, 24 का डबल 48 है और 48 का डबल कितना होगा, 96 होगा। मतलब ये नंबर और ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो नंबर आएगा उनके बीच डिफरेंस कितना होगा, 96 का होगा। तो एक काम करता हूं दोस्तों, 97 प्लस 96 करूंगा कितना होगा दोस्तों, यहां पर 3 कैरी 1 और यहां पर 19 मतलब 193। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा, ये भी लिखकर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक अच्छा कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।